जय हिंद। बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्टेड हमारे व्यूअर्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी खबर है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र BOM ने स्केल 1 स्केल 2 ऑफिसर के लिए बम्पर वैकेंसीज निकाली है, जिसकी आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस वीडियो में हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, सैलरी, अप्लाई कैसे करें, एप्लीकेशन फी क्या है, लास्ट डेट क्या है, सभी कुछ हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपके सभी प्रश्न उत्तर यहां मिलेगा। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जॉब डिटेल से। तो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए 100 वैकेंसीज है, लॉ ऑफिसर के लिए 10 वैकेंसीज है, सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए 10 वैकेंसीज है, HR पर्सनल ऑफिसर के लिए 10 वैकेंसीज है, IT सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर के लिए 30 वैकेंसीज है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के लिए 3 वैकेंसीज है, विंडोज एडमिनिस्ट्रेटर के लिए 12 वैकेंसीज है, प्रोडक्ट सपोर्ट इंजीनियर के लिए 3 वैकेंसीज है, नेटवर्क सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर के लिए 10 वैकेंसीज है, ईमेल एडमिनिस्ट्रेटर के लिए 2 वैकेंसी है। टोटल 190 वैकेंसीज है। पे स्केल एवं सैलरी की बात करें तो बहुत अट्रैक्टिव सैलरी इन्हें दी जाएगी, चाहे वो स्केल 1 या स्केल 2 दोनों में हो। स्केल 1 के लिए 36,000 से 63,840 रुपीज पर मंथ तक की सैलरी होगी, वहीं स्केल 2 के लिए 48,170 रुपीज से 69,810 रुपीज पर मंथ तक की सैलरी दी जाएगी। इनके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो मुख्य 3 स्टेजेज हैं। सबसे पहले आपको रिटन टेस्ट देना होगा। रिटन टेस्ट में अगर आप पास करते हैं तो आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा, आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा और आप जॉब ज्वाइन कर पाएंगे। रिटेन एग्जाम के पैटर्न को हमने डिटेल से डिस्कस किया है, इस वीडियो को आप देखते रहें। BOM के रिटेन एग्जाम की बात करें तो आपके एग्जाम ऑनलाइन होंगे। सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाएंगे, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज से 20 प्रश्न होंगे, जिसके लिए आपको 15 मिनट का समय होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से भी 20 प्रश्न होंगे, जिसके लिए 15 मिनट का समय होगा। रीजनिंग एबिलिटी से भी 20 प्रश्न होंगे, जिसके लिए 15 मिनट का समय होगा। प्रोफेशनल नॉलेज यानी जिसके लिए आप अप्लाई किए हैं उस फील्ड से आपके प्रश्न होंगे, जो कि 90 प्रश्न होंगे, 75 मिनट का समय होगा। टोटल 150 प्रश्न होंगे, जिसके लिए 2 घंटे का समय मिलेगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र SO के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं एज लिमिट की। तो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए मिनिमम 20 साल, मैक्सिमम 30 साल। सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए मिनिमम 25 साल, मैक्सिमम 35 साल। लॉ ऑफिसर के लिए मिनिमम 25 साल, मैक्सिमम 35 साल। HR पर्सनल ऑफिसर के लिए मिनिमम 25 साल, मैक्सिमम 35 साल। IT सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी मिनिमम 20 साल, मैक्सिमम 30 साल। DVA के लिए मिनिमम 25 साल, मैक्सिमम 35 साल। उसके बाद विंडोज एडमिनिस्ट्रेटर, प्रोडक्ट सपोर्ट इंजीनियर, नेटवर्क सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर और ईमेल एडमिनिस्ट्रेटर के लिए मिनिमम 25 साल और मैक्सिमम 35 साल एज होना अनिवार्य है। एज रिलैक्सेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होगा, शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब और PWD कैंडिडेट का। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए 4 साल का ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर में या हॉर्टिकल्चर में या एनिमल हस्बेंड्री में या वेटनरी साइंस में या डेयरी साइंस में या फिशरी साइंस में। बाकी का डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है। तो कम से कम 60% मार्क्स के साथ आपको पास होना जरूरी है। अगर आप ST SC से बिलोंग करते हैं तो 55% मार्क्स आपका जरूरी है। सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए बैचलर्स डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में, साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस आपका एज ए ऑफिसर इंडियन आर्मी में होना अनिवार्य है। लॉ ऑफिसर के लिए बैचलर्स इन लॉ और 60% मार्क्स के साथ पास होना अनिवार्य है। शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब और PWD कैंडिडेट को 55% मार्क्स के साथ। बाकी का डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है। HR और पर्सनल ऑफिसर के लिए जो है वो ग्रेजुएशन के साथ साथ 2 साल का डिप्लोमा आपका होना अनिवार्य है, इंडस्ट्रियल रिलेशन में या पर्सनल मैनेजमेंट में, HR में, HRD में, सोशल वर्क में या लेबर लॉ में, और 60% मार्क्स के साथ आपका पास होना अनिवार्य है। वहीं ST SC को 55% मार्क्स के साथ। IT सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर के लिए BE या BTEC का डिग्री होना अनिवार्य है या आपका MCA या MSc कंप्यूटर साइंस से पास होना अनिवार्य है। बाकी का डिटेल स्क्रीन पे दिया हुआ है। विंडो एडमिनिस्ट्रेटर के लिए BTEC एंड BE पास होना अनिवार्य है 60% मार्क के साथ, ST SC को 55% मार्क के साथ। वहीं प्रोडक्ट सपोर्ट इंजीनियर, नेटवर्क एंड सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर और ईमेल एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो स्क्रीन पे दिया हुआ है। बहुत अच्छे से इस सभी को पढ़ें, उसके बाद ही अप्लाई करें।
अप्लाई कैसे करें और लास्ट डेट क्या है इसको जानने से पहले आपका एप्लीकेशन फ़ी जानना अनिवार्य है। तो जनरल इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन और ओबीसी को 1180 रुपये का एप्लीकेशन फ़ी लगेगा, वहीं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को 118 रुपये का एप्लीकेशन फ़ी पे करना होगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट और वुमेन के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगेगा, उनका फ़ी एग्जेम्प्टेड है। अप्लाई करने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट bankofmaharashtra.in पे जाएं, वहां पे डाउनलोड नोटिफिकेशन करें, उसके बाद अप्लाई करें, रजिस्ट्रेशन करें, उसके बाद अपना नेसेसरी डिटेल्स भरें, फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करें, फ़ी पेमेंट करें, प्रीव्यू करें, सबमिट करें। सबमिट करने से पहले बहुत अच्छे से आप एप्लीकेशन फॉर्म को देख लें। सबमिट करने के बाद पीडीएफ सेव करके जरूर रखें। 19 सितंबर 2021 इसका लास्ट डेट है, उससे पहले फॉर्म को भर लें। आप अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स के जरिए भेजें, हम उसका आंसर करेंगे। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।